दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित एक रिसॉर्ट में शादी समारोह में शगुन डालने गए बिजली कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनकी क्रेटा गाड़ी को लाठी डंडों से पूरी तरह से तोड़ दिया। हमले में दो कर्मचारियों को चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि वो बार बार डायल 112 पर मदद मांगते रहे, लेकिन पुलिस उनके पास नहीं पहुंची। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि हमला करने वाले बोल रहे थे कि उन्होंने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। इतना कहने के बाद आरोपियों ने उनकी क्रेटा गाड़ी को तहस नहस कर दिया, साथ ही उनके साथी कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की। मामला क्या, हमारे एक साथी के साथ शादी थी सिस्टर की, हम उसे कदम डालने गए थे, हमने हमारी गाड़ी हाथ पर खड़ी कर दी और चार पांच आदमी आए, उन्होंने आके हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया। उन्होंने पूछी कि भाई क्या बात है, हमने उनसे पूछी क्या बात है, बोलो आपने हमारी गाड़ी पे वो कर दिया, ये कर दिया, आपके सामने हमारी गाड़ी है। उन्होंने हमारे सब चार पाँच आदमी सबको चोट मारी, हमारी पूरी गाड़ी फोड़ दी। हमने पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर पे कॉल किया, उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। चौथी बार जब बात हुई वे बोले कि आप गेट पे आ जाओ, जब हमारी गाड़ी फूटी पड़ी है, हमारे सभी को चोट लगी पड़ी है, हम गेट पे जाएंगे। हमने कहा कि भाई आप हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, लोकेशन भेज देते हैं, आप यहाँ आ जाओ। उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। बार बार फ़ोन करने के बाद उन्होंने, जिनका नंबर से फ़ोन आया था हम नंबर दे सकते हैं उनके, उन्होंने दोबारा हमसे कोई संपर्क स्थान नहीं। फिर हम ट्रामा सेंटर में आए, हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, हमने अपनी मेडिकल की पर्ची कटवाई है। अब जो भी होगा वो पुलिस देखेगी, बाकी हमें पुलिस की हर कार्रवाई में संदेह था। और हंस रोड का जो हालात है, हम पहले भी एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ भी हमारे साथ यही हुआ था, जब भी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। और हंस रोड ऐसा एक स्थल बन चुका है कि वो वहाँ के लोकल एरिया के जो भी गिने चुने गुंडे हैं या कुछ भी हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनमें से एक नाम तो हमने सुना था जो आपस में बात कर रहे थे, जो धर्मपाल का नाम हमारे सामने आया था, वो ज़्यादा उम्र के बंदे नहीं थे, 25 साल के बंदे थे। उनकी सीसी फुटेज चेक करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और हमें इंसाफ दिलाए जाए। सर हम रिसोर्ट में गए थे, हमारे साथी की लड़की की साथी थी और वहाँ में कन्यादान करने के लिए गए थे। जैसे हमने रिसोर्ट के अंदर गाड़ी एंट्री करी, वहाँ पर खड़ी करी, 5-7 बदमाश वहाँ पर आए, उन्होंने राड और डंडों से गाड़ी पर हमला कर दिया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे 4-5 साथियों के सारे चोटें आई हुई, हमने 112 कॉल किया, 112 से कॉल बार बार आया पर बाकी वो हमारे पद तक नहीं पहुँच पाए। फिर मैंने माडल टाउन थाना को पुलिस किया, वो बोले हम PCR भेज रहे हैं, तब तक वहाँ नहीं पहुँची है और हम ट्रामा सेंटर आए। किसी को चोट भी लगी है? हाँ जी, 5.5 आदमी को चोट लगी हुई थी, यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमने बार बार आग्रह किया कि आप आओ प्लीज़, ठीक है। हमने उनको बोला कि आप हंस रिसोर्ट के बैक में आ जाओ, बोले जी हम गेट के ऊपर खड़े, आप गेट के ऊपर आ जाओ, हमारे ऊपर हमला हुआ, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। पुलिस पर आरोप लगे हैं कि हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर नहीं आई, जिस वजह से वो अपनी जान बचाकर रात में ट्रामा सेंटर पहुंचे और मॉडल टाउन थाना पुलिस को सूचना दी। बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में रेवाड़ी के झज्जर रोड स्थित कार्यालय में कार्यरत मंजीत यादव, मनोज यादव अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक बिजली कर्मचारी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं पार्किंग में कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।